हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्पोर्ट मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा ए स्पोर्ट्स मेडिसिन का दूसरा पार्ट है। जैसा कि मैं वन लाइनर के माध्यम से सभी चैप्टर का, सभी टॉपिक का डाउट क्लियर कर रही हूँ, जैसा कि मैं थ्योरी सेशन के माध्यम से हर एक चैप्टर को पढ़ा चुकी हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चैप्टर का, जितना भी फिजिकल एजुकेशन सिलेबस होता है, सभी का मैंने थ्योरी सेशन दिया हुआ है। एंड किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन का, एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। एंड जैसे कि प्रेजेंट में आपके बिहार या स्टेट जल्दी होने वाला है, फरवरी में ही हो जाएगा। एंड जो BBSC तैयारी 3 है, आप सब जान ही रहे हैं, जैसा कि कल ही ऐलान हुआ है कि मार्च में TRE 3 एंड अगस्त में TRE 4 भी आएगा। तो बट जो आपके सामने है TRE 3 वाला, उसके लिए तैयारी में आप सब जोरों से लग गए होंगे, तो मैं डेली बेसिस पे आपको सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी। जैसा कि आप TRE 2 में जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे कि जो भी मैंने पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार करने से कोई भी काम असंभव नहीं होता है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, ब्लड डोपिंग द्वारा रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो ब्लड डोपिंग के द्वारा रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? जैसे कि हम जानते हैं, जो ब्लड डोपिंग होता है वह दो प्रकार का होता है, ऑटोलोगस एंड होमोलोगस। याद रखिएगा, ऑटोलोगस जो होता है उसमें स्वयं का रक्त, खेल प्रतियोगिता स्वयं का रक्त इंजेक्ट किया जाता है शरीर के अंदर, जबकि होमोलोगस जो होता है दूसरे का रक्त चढ़ाया जाता है। ऑटोलोगस जिसमें स्वयं का रक्त चढ़ाया जाता है, खेल प्रतियोगिता के कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी को रक्त चढ़ा दिया जाता है, जबकि होमोलोगस में क्या होता है, दूसरे का रक्त चढ़ाया जाता है। जब एक व्यक्ति के शरीर से ताजा रक्त लेकर सीधा दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। ब्लड डोपिंग के अंतर्गत जो RBC तथा रक्त के उत्पाद RBC उपस्थित हो, उन शिराओं को में संचरित किया जाता है। जैसे कि एक एरोबिक प्रकार के खेलों में, लंबी दूरी की दौड़ों में, जैसे क्रॉस कंट्री, स्कीइंग, साइकिलिंग आदि में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है कि 4 से 8 सप्ताह पहले, यानी कि 2 महीना पहले, 2 यूनिट यानी कि 1 यूनिट में 250 ml होता है, 2 यूनिट रक्त को निकाल लिया जाता है और रक्त में से RBC को प्लाज्मा से अलग कर दिया जाता है और डीप फ्रीजर में रखा जाता है। और खिलाड़ी इस बीच जो रखा जाता है डीप फ्रीजर में, इस बीच खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग बरकरार रखता है और लगभग 24 से 30 घंटों में निकले हुए ब्लड की पुनः प्राप्ति हो जाती है। खिलाड़ी अपने आहार में आयरन, विटामिन एंड की ज़्यादा मात्रा लेता है, जिसे रक्त में कम हुए रसायन की लगभग 2 महीने में पुनः बन जाते हैं और कंपटीशन के 2-4 दिन पहले उस रक्त को पुनः अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके कारण शरीर में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। अगर रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ेगी तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाएगी और ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो एरोबिक क्षमता यानी कि सहनशीलता बढ़ेगी, ज्यादा समय तक क्रिया करने पर भी थकावट नहीं होगी। तो इस प्रकार सहनशीलता वाले खेलों में इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ है? तो क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? प्राथमिक उपचार मतलब सबसे पहले उपचार, यानी डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो तुरंत उपचार होता है, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना, इसको फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार कहा जाता है। नेक्स्ट है, परकुजन शब्द किससे संबंधित है? तो परकुजन शब्द मालिश से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है मालिश 4 प्रकार का होता है। परकुजन मतलब होता है थपथपाना, ठीक है। यहाँ पे थपथपाना शब्द किससे संबंधित है? तो मालिश से है दोनों, ठीक है।
नेक्स्ट है खेल कूद संबंधी चोटों के उपचार का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट एड जो प्राथमिक उपचार होता है उसके चार घटक होते हैं, PRICE, ठीक है। तो पहले ओनली RICE था, बट अब वर्तमान में PRICE हो गया है। पहले राइस RICE था, RICE यानी कि रेस्ट यानी आराम, आई का मतलब होता है बर्फ यानी आइस, सी से होता है कंप्रेशन यानी कि दबाना चोटिल अंग से पहले, एंड RICE से मतलब होता है इलेवेशन यानी कि चोटिल भाग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। नेक्स्ट है डायपल्स चिकित्सा में चोटिल जगह पर तरंगों के प्रवेश की क्षमता कितनी होती है। तो 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक उसकी क्षमता होती है। डायपल्स थेरेपी में मुलायम ऊतकों व हड्डी की तीव्र सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द समूह प्राथमिक उपचार प्रक्रिया यानी फर्स्ट एड प्रोसीजर के दौरान ABC का संकेत करता है, वह होता है वायु मार्ग, श्वसन, परिसंचरण आदि। नेक्स्ट है महामारी विज्ञान एपिडेमियोलॉजी किसको संदर्भित करता है। तो दोस्तों यह रोकथामकारी और सामाजिक औषधि विज्ञान को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है गंभीर चोटों का इलाज किसके द्वारा किया जाता है। यह अवरक्त कीड़ों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अगर शरीर का कोई भाग किसी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो इसका परिणाम होता है जलन और छीलन। नेक्स्ट है गिरने के बावजूद युवाओं को कम चोट आने का क्या कारण होता है। तो उनकी हड्डियां मजबूत व लचीली होती हैं। नेक्स्ट है खेल में लगने वाले चोट पर एक एथलीट को प्रदान किया गया तत्काल उपचार क्या होता है। तो तत्काल उपचार होता है क्रायोथेरेपी यानी कि बर्फ चिकित्सा। नेक्स्ट है व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर किस हड्डियों में होता है। तो घुटने के नीचे होता है बार बार ओवर यूज होने से। नेक्स्ट है खेल में चोटों से नहीं बचा जा सकता लेकिन इनसे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का उपाय है कि सुरक्षात्मक खेल उपकरणों का समुचित उपयोग करना। नेक्स्ट है एक जोड़ में लगी ऐसी चोट जिसके कारण लिगामेंट अपनी क्षमता से ज्यादा फैल जाती है। तो दोस्तों जब लिगामेंट की बात आए, लिगामेंट के ज्यादा खींचने की बात आए तो वहां पे मोच यानी स्प्रेन होगा। जब मांसपेशी या टेंडन की ज्यादा खींचने की बात आए तो वहां पे खिंचाव यानी कि स्ट्रेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोमल उत्तक वाली चोटें मुख्यतः कहाँ लगती हैं। तो संयोजी उत्तकों में लगती हैं जैसे कि लिगामेंट, टेंडन्स, मांसपेशी। नेक्स्ट है दोस्तों व्यायाम के दौरान शरीर को नीचे की ओर खींचने से किसमें मदद मिलती है। तो यह इस व्यायाम के बाद की पीड़ा और अकड़न से बचने में मदद करती है। नेक्स्ट है संक्षिप्त नाम TOTAPS खेलों की चोट के लिए एक प्राथमिक उपचार प्रक्रिया है। इस संक्षिप्त नाम के पहले तीन अक्षरों यानी TOT का क्या रूप है। तो TOT का मतलब है टॉक, ऑब्जर्व, टच। नेक्स्ट है अस्थि संधि शोध उपचार हेतु किस चिकित्सा पद्धति को उपयुक्त माना जाता है। तो शॉर्ट वेव डायथर्मी को माना जाता है। डायथर्मी दोस्तों एक विद्युत चिकित्सा विधि है। इसमें उत्तकों के गहराई तक घाव भरने के लिए विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। यह डायथर्मी तीन प्रकार का होता है, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव डायथर्मी। नेक्स्ट है मधुमक्खी के से डंक का इलाज किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से मधुमक्खी से के डंक का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है स्नायु का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है। स्नायु या मांसपेशी का स्नायु, दोस्तों यहाँ पे स्नायु दिया है, स्नायु का मतलब होता है लिगामेंट। लिगामेंट की खींचने या टूटने की बात आए तो वहां पे मोच यानी स्प्रेन होगा। जब मांसपेशी टेंडन की बात आए तो वहां पे खिंचाव या स्प्रेन होगा। नेक्स्ट है खिंचाव किससे संबंधित है। तो दोस्तों खिंचाव यानी कि स्ट्रेन जो है
मांसपेशी या टेंडन से संबंधित है। मैंने आपको ट्रिक बताया था स्ट्रेन स्प्रेन का, स्प्रेन यानी कि मूच, स्प्रेनली यानी कि स्प्रेन ली मतलब लिगामेंट का अधिक खींचना, और स्ट्रेनम यानी कि मांसपेशी या टेंडन का अधिक खींचना। ठीक है, नेक्स्ट है किससे बंद चोट कहा जाता है, तो कॉन्ट्यूजन को बंद चोट कहा जाता है। एकाएक भारी वस्तु से चोट लग जाना जिसमें नीला पड़ जाना बंद चोट होता है, बट वो नीला नीला पड़ जाता है उसी को बंद चोट या कॉन्ट्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है मुलायम उत्तक में सूजन के साथ रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, तो मुलायम उत्तक में सूजन के साथ रक्त का इकट्ठा होना हेमाटोमा कहलाता है। नेक्स्ट है एक बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए, तो सिर झुकाकर और ठोड़ी उठा करके। नेक्स्ट है उस वस्तु का नाम बताएं जिससे बर्रे के कांटे के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है, वह होता है सिरका। नेक्स्ट है बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होना चाहिए, तो बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होता है बर्फ व ठंडे पानी से सेकना। नेक्स्ट है शारीरिक उपचार विज्ञान संबंधित किया जाता है, तो फिजियोथेरेपी, शारीरिक जो उपचार होता है शारीरिक चिकित्सा उसको फिजियोथेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट है खेल से पहले की मालिश प्रतियोगिता से कितने घंटे पहले दी जाती है, तो 1 से 3 घंटे, वैसे 1 से 2 घंटे पहले होता है बट यहाँ 1 से 3 घंटे दिया है। नेक्स्ट है ठंडे और गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कंट्रास्ट बात कहा जाता है, जिसमें ठंडा और गर्म जल का प्रयोग किया जाता है, पहले ठंडा जल फिर गर्म जल का प्रयोग और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बर्साइटिस के नाम से जाना जाता है, यह जोड़ों की चोट है, ओवरयूज इंजरी है। नेक्स्ट है दोस्तों मालिश की एफिलरेज तकनीक क्या कहलाती है, तो सहलाने की हस्त कौशल विधि। 4 प्रकार की मालिश होती है, स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, सैकिंग यानी कि झकझोरना या मिलाना। नेक्स्ट है चपटा पांव को कहा जाता है, चपटा पांव यानी फ्लैट फुट को पेस प्लैनस कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक होता है चपटा पांव यानी फ्लैट फुट जिसे पेस प्लैनस बोला जाता है, एक होता है पंजा पांव यानी क्ले फुट जिसको पेस कैवस बोला जाता है। यहाँ के जैसे कि चपटा पांव और पंजा पांव दोनों में अंतर है। चपटा पांव जिसे फ्लैट फुट या पेस प्लैनस बोलते हैं, इसमें जो हमारा पैर के तलवे का नीचे वाला भाग होता है उसमें कोई वक्र नहीं बनता, एकदम समतल होता है, और इसमें 2 प्रकार के आर्च बनता है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल एड़ी से पैर के अंगूठे तक बनता है, और ट्रांसवर्स जो है पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक बनता है। यानी कि आप क्वेश्चन पूछेगा कि चपटा पांव यानी फ्लैट फुट में कितनी प्रकार के आर्च बनते हैं, तो 2, कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। और फ्लैट फुट को किस नाम से जाना जाता है, तो पेस प्लैनस। और इसका जस्ट उल्टा होता है, फ्लैट फुट का जस्ट उल्टा होता है पंजा पांव यानी क्ले फुट जिसे पेस कैवस, हालो फुट और क्लोटॉच भी बोला जाता है। फ्लैट फुट के विपरीत होता है, फ्लैट फुट में समतल होता है, कोई कर्व नहीं बनता, तो क्ले फुट में एक ज्यादा कर्व बन जाता है, एकदम गड्ढा जैसा हो जाता है, गाय की खुर की तरह मुड़ जाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है उंगली की चोट पर लगाई जाने वाली पट्टी को क्या कहते हैं, उसको रोलर पट्टी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक चोटों का उपचार किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड टायथर्मी के द्वारा। नेक्स्ट है चोट का तुरंत उपचार उपयोगी है, तो तुरंत उपचार बर्फ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपको पता है RICE पद्धति में पहला R यानी कि रेस्ट, उसके बाद I यानी कि बर्फ चिकित्सा होता है, फिर C से कंप्रेशन यानी दबाव, और फिर E से इलेवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। नेक्स्ट है सांप को काटने पर क्या किया जाता है, दोस्तों यहाँ पे चूसड़ नहीं होगा, हमेशा आपका सबसे पहले बैंडेज बांधेंगे उसके बाद चूसड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सूजन कम होती है किसके द्वारा, कंट्रास्ट बाथ के द्वारा, इसमें ठंडा और गर्म जल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है, किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा होता है? तो उसके लिए स्टीम बाथ यानी कि भाप स्नान अच्छा होता है। नेक्स्ट है, क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी जिसमें बर्फ द्वारा उपचार को हम क्रायोथेरेपी कहते हैं, ठीक है, और ठंडे पानी यानी या बर्फ का द्वारा उपचार को हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट है, चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो थ्रोम्बोसाइट यानी कि जो प्लेटलेट्स होता है वह आपका सहायक होती है। नेक्स्ट है, स्क्रेप त्वचा या म्यूकस झिल्ली क्या कहलाती है? तो ये एब्रेजन कहलाती है, जो रगड़ लगने या छिलने को कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो यह RICE पद्धति से किया जाता है, ठीक है। RI यानी रेस्ट, I से बर्फ, C से कंप्रेशन यानी कि दबाव, E से इलेवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। नेक्स्ट है, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेनम यानी कि मांसपेशी और टेंडन की फट जाना, पेशियों या फटना या खिंचाव को ही हम स्ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है, भंग यानी कि स्ट्रेस फ्रैक्चर की अति सामान्य जगह कौन सी होती है? भंग यानी कि फ्रैक्चर की अति सामान्य जगह होती है कलाई। नेक्स्ट है, खेल की चोटें किससे न्यूनतम की जा सकती है? तो मसाज के द्वारा खेल की चोटों को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, घुटने की कुस्कुरी कोमल अस्थि की चोटें समानतः किससे संबंधित है? तो घुटने से जो कुस्कुरी चोटें कोमल अस्थि की चोटें होती है वो फुटबॉल से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट दोस्तों, किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कंट्रास्ट बॉस देना चाहिए? तो जब केवल सूजन स्टेबल हो जाए, क्योंकि सूजन को कम करने के लिए ही कंट्रास्ट बॉस यानी कि ठंडा गर्म जल का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट दोस्तों, बच्चों में दोषयुक्त अस्थि का विकास किस कारण से होता है? तो रिकेट्स के कारण होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट दोस्तों, हेयर लाइन फ्रैक्चर यानी कि स्ट्रेस फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर को ग्रिनस्टिक फ्रैक्चर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, खेल कूद की चोटों के रिकवरी में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस यानी कि पुनः स्थापना में तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है करेक्टिव एक्सरसाइज यानी संशोधित व्यायाम, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण यानी साइकोलॉजिकल, उसको हम सांत्वना देंगे कि नहीं तुम कर सकते हो, एंड तीसरा होता है फिजियोथेरेपी यानी शारीरिक चिकित्सा, जिसमें हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा, बर्फ चिकित्सा और मोम चिकित्सा आता है। तो जब भी रिकवरी की बात करें, रिहैबिलिटेशन की बात करें, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा राइट रहेगा। यहाँ पे संशोधित व्यायाम यानी करेक्टिव एक्सरसाइज राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मोच खिंचाव और कंडरा यानी टेंडन की चोटों की तुरंत देखभाल कैसे की जाती है? तो बर्फ की पैक का प्रयोग करके, जो भी तुरंत की बात करें तो सबसे पहले बर्फ का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सरल जोड़ों के चोट को राइस RICE प्रक्रिया का उपयोग कर इलाज किया जा सकता है। यहाँ R का क्या मतलब होता है दोस्तों? रेस्ट, ठीक। R का मतलब रेस्ट, I का मतलब आइस यानी बर्फ, C का मतलब कंप्रेशन यानी दबाव, E का मतलब होता है इलेवेशन यानी कि ऊपर उठाना। नेक्स्ट दोस्तों, हड्डी टूटना और मोच का शुरू में किससे इलाज किया जा सकता है? तो इसको ठंडे और गर्म पानी की थैली के संयोजन में इसका इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, खेल गतिविधियों में से किसमें अग्रक्रास रूपी स्नायु अक्सर घायल होता है? तो वह होता है फुटबॉल में। नेक्स्ट है, किस प्रकार की चोट के बाद उल्टी होती है? तो सिर पे चोट के बाद उल्टी होती है। नेक्स्ट है, कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम बात है? तो वह होता है टखने की अग्रपार्श्विक अस्थि बंध चोट, क्योंकि जो आप टखना होता है यानी कि एंकल, वहां पे अग्रपार्श्विक अस्थि बंध यानी कि लिगामेंट्स में चोट लगती है बास्केटबॉल खिलाड़ियों में ज्यादातर। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष रूप से एनाबोलिक स्टेरॉइड से प्रभावित होता है? दोस्तों तो एनाबोलिक स्टेरॉइड जो होता है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह मांसपेशियों में असीम शक्ति और सहनशीलता भर देती है। नेक्स्ट दोस्तों,
टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए आवश्यक क्या होता है आप सबको पता है, प्रोटीन, क्योंकि जो हमारे पोषक तत्व है कार्य के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड वसा आता है, और शरीर का निर्माण करने वाले उत्तकों को कटे फटे अंगों को ठीक करने का काम करता है प्रोटीन, एंड तीसरा होता है शरीर की रक्षा करने वाले वो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स यानी खनिज लवण। नेक्स्ट, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको मेडिकल जिम्नास्टिक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हैकिंग, रिंगिंग, नीडिंग इत्यादि किस प्रकार के मसाज हैं, किस किस के प्रकार हैं, तो ये सब मसाज का प्रकार है। जैसे कि परक्यूजन यानी थपथपाना चार प्रकार का होता है, हैकिंग, क्यूपिंग, बिंडिंग, पाउंडिंग, ठीक। और जो चार प्रकार का मसाज होता है, स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाना, प्रेशर यानी कि दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, सैकिंग यानी कि झकझोरना। नेक्स्ट दोस्तों, बृहद अभिघात क्या है? बृहद अभिघात का मतलब होता है चोटिल उत्तक पर पुनः आघात, यानी एक बार चोट लगा है उसी पर फिर से चोट लग जाना है, उसको चोटिल अभिघात कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रॉस्ट बाइट चिकित्सकीय समस्या कहाँ होती है? तो यह ज्यादातर गर्म मौसम में होती है। नेक्स्ट है, सेंट जॉन एम्बुलेंस परिषद का कार्य क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो सेंट जॉन एम्बुलेंस परिषद का कार्य क्षेत्र होता है प्राथमिक चिकित्सा। क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा, जैसा कि दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राथमिक उपचार को फर्स्ट एड बोला जाता है। यह तीव्र चोट एक्यूट इंजरी के तुरंत बाद PRICE पद्धति, जैसे कि राइस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अब वर्तमान में PRICES हो गया है, और इसको थंब रूल भी बोला जाता है। थंब रूल किसे कहा जाता है? PRICE पद्धति को। और जो यहाँ पे सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है 1879 में इंग्लैंड में बनाया गया। नेक्स्ट है, राइस का प्रथम चरण क्या है? यह है प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट है, मोच चोट संबंधित है, तो मोच यानी कि स्प्रेन, ली स्नायु यानी कि लिगामेंट से संबंधित है, ठीक है। मालिश कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, सैकिंग यानी मिलाना या झकझोरना। नेक्स्ट है, लिगामेंट्स की चोट है, तो लिगामेंट्स स्प्रेनली यानी स्प्रेन यानी कि मोच होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशी की चोट है, तो स्ट्रेनम यानी कि खिंचाव या स्ट्रेन यहाँ पे होता है, मांसपेशी या टेंडन की चोट। नेक्स्ट है, बिना घाव का हड्डी टूटना क्या कहलाता है दोस्तों? तो सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, एब्रेजन और रगड़ चोट है, तो यह त्वचा की चोट है। नेक्स्ट है, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार क्या है? तो सबसे पहले बर्फ का से उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार होता है? तो चोटिल वाले भाग की सबसे पहले हलचल बंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि PRICES अब ए हो गया है, पहले RICE था प्राइस, अब प्राइस हो गया है PRICES। पी से होता है प्रोटेक्शन यानी चोटिल भाग का बचाव, आर से होता है रेस्ट आराम देना, एंड आई से होता है आइस यानी कि उस पर बर्फ का प्रयोग, सी से कंप्रेशन यानी चोटिल भाग को हृदय के पहले भाग तक दबाव डालना, एंड ई से इलेवेशन चोटिल भाग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना, एस से होता है सपोर्ट यानी चोटिल भाग को किसी चीज के सहारे से सपोर्ट देना कि उसे हिले डुलेना। नेक्स्ट है, जल चिकित्सा क्या है? तो पानी से उपचार प्रक्रिया को जल चिकित्सा या हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मेडियल या मेनिस्कस की चोटें किन में सामान्य होती हैं? या फुटबॉल के खिलाड़ी में ज्यादा सामान्य होती हैं। नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में आघात होने पर तुरंत तत्कालिक उपचार देना चाहिए? तो ज्यादा रक्त बहाव की स्थिति में। नेक्स्ट है, किस पहलवान या फुटबॉल खिलाड़ी या हॉकी खिलाड़ी के किस प्रकार गिरने पर कंधा अलग होता है? तो यह कुहनी के मैदान पर मुड़ने की स्थिति, मैदान पर कुहनी मुड़ जाती है, उस कंडीशन में पहलवान या फुटबॉल खिलाड़ी या हॉकी खिलाड़ी के से कंधा जो है अलग हो जाता है यानी कि डिसलोकेशन हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका स्पोर्ट मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा का थर्ड पार्ट होगा, एंड उसके बाद जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं जैसे कि खेल चिकित्सा के बाद स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड पर वीडियो होगा, तो डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।